हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अप्रॉक्सीमेशन के कुछ कुछ सम जो हमारे ही दोस्तों ने कुछ कमेंट्स में पूछे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस कुछ पीछे के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो आपको थोड़ा गाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एट और सिक्स 14 होता है। 14 का 4 हमने लिख लिया, एक जो है हमने ऊपर की तरह साइड में कैरी कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, 4 + 3 7 और 1 कैरी वाला 8 हो गया। ठीक है, ये 8 और 4 12 का 2 नीचे 1 कैरी हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पर बाद में 8 + 6 14 का 4 1 कैरी, 1 + 1 यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे -x = 24000। ओके, नाउ ये जो है x = -x है हमारा 24000 माइनस, ये हमारा प्लस है इस टाइप में, तो इस इधर साइड जाने के बाद में ये माइनस हो जाएगा और ये 24284। ठीक है, और हमारा लास्ट का आंसर आ जाएगा -284। ये माइनस माइनस कैंसिल, x = 284 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और सम देखते हैं। चलो हम दूसरा सम लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये 35% ऑफ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 35/100 इंटू एक्स इंटू 3/4 3985, या फिर से डेसिमल पॉइंट के बाद में 5 के ऊपर का डिजिट है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर 75 की जगह पर डायरेक्टली हम एक होल नंबर ले रहे हैं। ओके, अभी यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 35 यहाँ पर आ जाएगा 720। ओके, अभी देखिएगा। ठीक है, ये जो हो जाएगा यहाँ पर 7 × 3 21 और नीचे के साइड में यहाँ पर ये 80 हो जाएगा। ठीक है, और ये x = 3985। ठीक है, अभी हमें आंसर निकालना है इसका। ठीक है, तो आंसर कैसे आएगा, ये जो 80 है, ये 80 है ना, यहाँ पर हम ये जो 21 आया था इसको, सॉरी ये 21, तो हम इसका अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे, तो यहाँ पर 20 कर लेंगे, नीचे में 80 x = 3985। ठीक है, अभी 1 4, अभी डिनोमिनेटर में 4 है, मतलब वो इधर जाने के बाद में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 5 = 20 2 4 8 = 32। ओके, 32 और 2 34 का 4 यहाँ पर 3 4 9 = 36 और 3 39 का 9 यहाँ पर 3 4 3 = 12 और 3 15, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में इसके आसपास जो भी नंबर होगा 15,000 के आसपास, वो आपका
राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नियर टू, नियर टू दिस, वो आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये एग्जाम, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, हम इसको अभी देखेंगे। तो एज पर द बोर्ड मास, यहाँ पर डिवीजन का है, बट सबसे पहले हमें क्या करना है, बोर्ड मास के हिसाब से, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के वक्त में हमें क्या मिल जाएगा, ये जो 780 है, ठीक है, 780.85 है, और इस तरफ में 59.98 है, ठीक है। तो फॉर इजी ऑफ कैलकुलेशन हम यहाँ पर क्या करेंगे, 780 लेंगे और इस तरफ में यहाँ पर 60 लेंगे। ओके, यहाँ पर हम 60 लेंगे, तो इसका टोटल आ जाएगा 840। ओके, और डिवाइड के बाद में यहाँ पर फॉर इजी कैलकुलेशन हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 29, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हम अगर 30 लेंगे, 30 जब हम ले लेंगे तो यहाँ पर हम इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर हम कर लेंगे, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो 84 को हम जब 3 से डिवाइड करेंगे, ओके, तो 3 2 6 होगा, यहाँ पर 2 और 3 8 24, ओके, तो हमारा आंसर जो है वो 28 29 के अराउंड आ जाएगा, 28 और 29, ठीक है। अगर ऑप्शन में जो भी इन दोनों में से प्रेजेंट होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल है, ठीक है। अगर आपको प्रोसेस समझ गई है तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एज पर द बोर्ड मास हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 824 माइनस, ठीक है, तो माइनस हमने नीचे ले लिया, डायरेक्टली आंसर निकालेंगे हम यहाँ पर 353। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 12 में से 5 7, ये 7 में से 3 गए 4, ठीक है। अब ये जो 471 है वो क्या है, यहाँ पर डिवाइडेड बाय है किसके साथ में, 24.75 के साथ में, ठीक है। तो हम यहाँ पर 74 है ना, तो 25 लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जब हम इसको 25 लेंगे तो 25 जाएगा, ठीक है, अभी उठ जाएंगे, नीचे बचेंगे, ठीक है, 1 हम नीचे ले लेंगे, तो 25 8 8 आ जाएगा, ठीक है। हमको पॉइंट देना पड़ेगा, फिर से 8 आएगा, हाँ जी, देखिए अभी ऊपर ये आ जाएगा हमारा 18, ठीक है, 18.8 कुछ तो भी आएगा, ठीक है। हम इसको डायरेक्टली 19 लिख देंगे, ओके, अभी 19, उसके बाद में प्लस है 521, ठीक है जी, तो ये 0 1 3 और 1 4, ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जी, 540 आपका आंसर हो जाएगा जी, फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, और अपने बेल आइकॉन और सब्सक्राइब के बटन के बाजू में एक बेल आइकॉन है उसको भी दबाइए, ठीक है, ताकि आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और आप मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।